इसके बारे में कोई बात नहीं थी, लेकिन मौली ने खुद ये बात छेड़ी और जब उससे रियलाइज़ हुआ कि कुणाल अभी मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकता है, या फिर उसने ऐसा काम किया है जिसे अंडन नहीं किया जा सकता, सो दैट इज़ वाई शी डिसाइड्स कि मुझे डिवोर्स चाहिए। वो मुझे बताती भी नहीं, सीधा यहाँ बुलाती है फैमिली कोर्ट में और डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल कर देती है। एंड आई एम रियली स्टन्ड, समझ में नहीं आता है कि क्या करें, और मुझे पता भी नहीं है कि घर वालों को पता है इस बारे में, नहीं पता है। शी इज़ नॉट थॉट ऑफ डिवोर्स और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, इज़ जस्ट दैट कि हाँ अभी पता है एक टेंस सिचुएशन है, उसे हैंडल कर लेंगे आगे जाके, तो उसके लिए भी एक शॉकर है, बट फाइनली वॉट दैट्स वॉट मॉली वॉन्ट्स, सो ही एक्सेप्ट इट। या शी ऑल्सो सीज नंदिनी कि नंदिनी इतनी पागल हो चुकी है कुणाल के प्यार में, और इतना प्यार तो शायद मॉली ने भी नहीं किया था नंदिनी से, दैट्स वॉट शी रियलाइजेज। इसलिए वो ये सोचती है कि ये दोनों इतना प्यार में पागल हैं और मैं बिना बात के इनके बीच में कबाब में हड्डी बन रही हूँ, सो माइट एज वेल आई गो आउट ऑफ देयर लाइव्स। सो इसलिए वो डिसीजन लेती है डिवोर्स का, एंड दैट्स हाउ फाइनली वी फाइल द डिवोर्स एप्लीकेशन, ऑन विच जज ये कहते हैं कि सिंस इट इज़ दोनों के कंसेंट के साथ हो रहा है, तो इसलिए एक महीने का एक वेटिंग पीरियड होता है, अगर कंसेंट किसी एक का भी नहीं हो तो 6 महीने का वेटिंग पीरियड होता है, ऐसा मुझे सुनने में आया। सो तो 1 महीने का वेटिंग पीरियड देते हैं, और उस 1 महीने में हम देखेंगे कि मौली और कुणाल एक दूसरे के पास वापस आ सकते हैं कि नहीं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए देखने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। एग्जैक्टली, ढोल और क्लब सैंडविच सब बन चुका हूँ मैं सबसे ज़्यादा काम भी मैं ही करता हूँ सेट पे, क्योंकि पहले मुझे नंदिनी के जाके संभालना पड़ता है, फिर राजदीप को संभालना पड़ता है, फिर मौली को संभालना पड़ता है, फिर घर वालों को संभालना पड़ता है, सो आई एम लाइक वर्किंग ओवर टाइम एवरी डे, बट हाँ सब जगह से फिस गया हूँ मैं।